अगर आप इस एरिया में आते हो मतलब निज़ामुद्दीन की तरफ, तो यहाँ पे आइए, शांति स्तूप जाइए, और वेस्ट वंडर पार्क है यहाँ पे, हुमायूं का किला है यहाँ पे, उस पूरे कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारे किले हैं, और इसके साथ साथ पुराना किला थोड़ी दूर है और उससे थोड़ी दूर आगे ज़ू भी है। मतलब अगर आप सुबह आ जाओ तो आप सब कुछ कवर करके जा सकते हो, ऐसे तो दो तीन दिन में कवर करो तो ज़्यादा अच्छा है, बट आप अगर जल्दी जल्दी चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो इस पार्क के एंट्री गेट के राइट साइड में एक कंटेनर है जहाँ पे टिकट मिल जाएगा आपको, और ₹50 होता है नॉर्मल डे पर संडे को ₹100 हो जाता है, मतलब एडल्ट्स के लिए, बाकी के लिए थोड़ा कम है। 4 घंटों के लिए वैलिड है टिकट, ₹100 का मिला। एंट्री करते हैं टॉयलेट, सबसे पहले हमारे फौजी भाई की एक तस्वीर यहाँ पे। बस टिकट थोड़ा महंगा लग रहा है, वो भी संडे के हिसाब से, और कोई दिक्कत नहीं है आने में। चलिए दुनिया के साथ अजूबे देखते हैं। तो यहाँ पे फवारे लगे हुए हैं कुछ, पहला अजूबा मिस्र का पिरामिड। तो ये भैया मिस्र के पिरामिड का रूप, और इसको वेस्ट वंडर पार्क इसीलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो बनी हुई, ये सब वेस्ट मटेरियल से बनी है, मतलब स्क्रैप मटेरियल, और अंदर से खोखला है। अंदर देखिए लाइट जल रही है कुछ, तो पिरामिड से होके आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे कॉटेज टाइप के बने हैं। इधर तो रास्ता बंद है, यहाँ इधर चलना है हमें। तो दूसरा वंडर आता है जो कि है पीसा की झुकी हुई मीनार। तो ये थी पीसा की झुकी हुई मीनार, आगे चलते हैं। सबसे फेवरेट जगह, आप पेरिस नहीं जा सकते हो तो यहाँ आके आप प्रपोजल कर सकते हो, एफिल टावर यहीं पे भी। ये सबसे ऊंची इमारत है यहाँ पे। कोई भी भाई बंधु मेरे अगर प्रपोजल करना चाहते हैं तो यहाँ आके कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली में ही है, पेरिस जाने का बजट बच जाएगा, उसे शादी में खर्च कर दूंगा। इसी के साथ हम पहुंचते हैं चौथे वंडर की ओर, जो कि है कोलोसियम। दिस वाज द कोलोसियम, चौथा वंडर। चलते हैं पांचवे वंडर की ओर। ये वाला अजूबा इंडिया में भी है, असली में भी। ये अजूबा आप असली में भी घूम सकते हो क्योंकि ये आगरा में है, ताजमहल। सामने का पार्क भी बनाया, बस बेंच नहीं रखी जो वहाँ पे रखी होती है। चलते हैं छठे अजूबे की तरफ। तो रिडीमर रियो, जो कि है रियो डी जनेरियो में, मतलब यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं इसे बनाने में। 130 दिन लगे थे इसे बनाने में। तो आज के छठवें हमारे जो कि हैं वंडर, वो हैं रिडीमर रियो। छह वंडर्स तो हम देख चुके हैं, एक वंडर बचा हुआ है बस, ये था रियो द रिडीमर, रिडीमर रियो भी बोलते हैं इसको। चलते हैं आखिरी वंडर की ओर, इसके बाद निकलेंगे घर। लाइट्स लगी हैं पर लाइट्स बहुत कम है, कितने में कुछ दिख नहीं रहा आपको। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि हमारा सातवां और आखिरी वंडर है, दुनिया के सातवां अजूबा है। हालांकि अब इससे लंबी स्टैचू हमारे इंडिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। मेरे पीछे है सातवां अजूबा यहाँ का, जो कि है वेस्ट वंडर पार्क का
7वां जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि अमेरिका में है, हालांकि हमारे इंडिया में इससे बड़ी स्टैचू है जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि गुजरात में, तो वहाँ चलेंगे कभी लाइव देखेंगे। तो फिलहाल मेरी यात्रा यहीं समाप्त होगी वेस्ट टू वंडर पार्क। 100 रुपये का टिकट है संडे को, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं लगता मुझे। तो आप वीक डेज में ही आना, जब भी आना। 50 रुपये का ही टिकट लगेगा एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए 25 रुपये का ही टिकट है। तो खाने पीने के लिए अंदर जाना कुछ अलाउ नहीं है, तो बाहर से खा के आइएगा। अंदर रेस्टोरेंट है तो आप वहाँ खा सकते हो। तो यहाँ के लिए इतना ही, और अब चलते हैं टू वंडर पार्क। यहाँ पे जो भी चीज़ें बनी है वो वेस्ट मटेरियल से बनी है, स्क्रैप मटेरियल जो बेकार हो जाती हैं चीज़ें उनसे बनाया गया है इसको। और हर जो भी चीज़ें बनी, मतलब दुनिया के जो 7 अजूबे हैं, कैसे बने हैं, कितने दिनों में बने हैं, किन चीज़ों से बने हैं, इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक झरना भी है, आवाज़ काफ़ी प्यारी लगेगी आपको। वाह, यहाँ वीडियो बनाते वक्त सावधान रहे क्योंकि यहाँ पे एक बंदर भी है। पार्क तो हो गया है ख़त्म, यहाँ पे थोड़ा चीज़ें लगी हुई हैं लाइटिंग, बट हमें तो चलना है वापस। अब जला दो लाइट यार, लाइट जल जाए तो थोड़ा अच्छा लगेंगे आपको इस पार्क में, क्योंकि कुछ है नहीं इतना। तो आराम से आइए, यहाँ पे आते जाते भी आप जा सकते हो, मतलब आप वर्किंग डे पे भी आ सकते हो, ऑफिस से निकलो और घूम के चले जाओ यहाँ से। तो अंदर आपको चीज़ें खाने को महंगी पड़ सकती हैं, तो आप बाहर यहाँ पे सारे स्टॉल लगे हुए हैं, क्वालिटी लगभग सेम ही मिलेगी, प्राइस कम रहेगा बाहर। पार्क से निकल के मैंने बस पकड़ ली अपने उत्तमनगर के लिए और चल रहा हूँ घर, काफ़ी थक गया आज। तो फाइनली घर पहुँच चुका हूँ, गया था आज मैं वेस्ट टू वंडर पार्क में, तो काफ़ी अच्छा पार्क है, मतलब काफ़ी अच्छा तो नहीं कहूँगा, ओवर रेटेड ही कहूँगा, बट अगर आप घूमने जा सकते हो 7 अजूबे जो है दुनिया के वहाँ देख सकते हो। तो चलिए अभी सोने की तैयारी, कल मंडे है, कल से ऑफिस।